हेलो एंड वेलकम, आज हम आपका प्यारा दोस्त और हो सौरभ आपके प्यारे गेमिंग चैनल में, इसका नाम है गेमिंग 3S। तो आज हम खेलने वाले हैं द वॉकिंग ज़ॉम्बी 2। तो गाइस इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज इस गेम के अंदर गाइस ज़ॉम्बीज होते हैं ना गाइस, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके साथ अपने पास जो इक्विपमेंट्स है गाइस, वो भी इतने एडवांस अभी तक है नहीं, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी गन्स अपने पास है, मतलब AK-47 है। और गाइस यहाँ पे हमने एक मिशन लिया था इससे पहले भी ए से, उस मिशन के अंदर गाइस अपने को एरिया का डिफेंस करना था, उसी तरह से आज भी करना था गाइस, बट उसके अंदर हम फेल हो चुके हैं। मतलब वहां पे जाने के बाद ना ऐसा हो जाता है गाइस कि हमारे ऊपर ज़ॉम्बीज खतरनाक अटैक कर देते हैं, बिकॉज मेरी गलती होती है वहां पे, बिकॉज मैं उसको कैजुअली लेता हूँ गाइस, बहुत ज्यादा कैजुअली लेता हूँ मैं, उसकी वजह से गाइस वो अपने ऊपर हावी हो जाते हैं। बट इस बार थोड़ा प्रिपेयर होऊंगा, अपने हेल्थ तो ले लिए गाइस, देखो हेल्थ अपनी 70% है। तो हम एस के पास जाते हैं, देखो यहाँ पे मिशन दूर दिए थे अपने को, बट एक भी कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जाते और मिशन को कंप्लीट कर देते गाइस, इसको भी कुछ आंसर नहीं करेंगे, बिकॉज भाई आंसर करेगा तो गुस्सा हो जाएगा फालतू का, उससे बेटर है अपन जाते और मिशन कंप्लीट करते, एरिया को डिफेंस कर देते। तो गाइस फटाफट से यहाँ पे निकलते हैं यहाँ से और मैप में देखते हैं गाइस, मैप में अपने को जाना है, पहले जाते हैं अपन फ्यूल भरने के लिए, बिकॉज फ्यूल भरना बहुत नेसेसरी, बिकॉज अपने पास फ्यूल नहीं था तो हमने भर दिया उसको, पूरा फ्यूल टंकी अपना भर चुका है गाड़ी का। तो उसके बाद हमें निकलते आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी मैप के अंदर जाना है अपने को, बस इन्वेंटरी में तो अपने पास सब कुछ है राइट, चेक तो कर लेता हूँ एक बार, ये भी अपने पास है, इसको यूज़ नहीं, इक्विप करके रख देते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके अपने को यूज़ हो सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम अपने पास ये था नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी अपन मैप के अंदर जाने के बाद अपने को कहाँ पे जाना है, दो जगह है यहाँ पे, डिस्ट्रॉय फैक्ट्री और उसके ऊपर एक जगह है जिसका नाम है A4। ए से उनके ऊपर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कितने ज़ॉम्बीज वहाँ पे होंगे, बिकॉज यहाँ पे हम पिछली बार मरे थे, बट इस बार गाइज इस बार हमें मरना नहीं है गाइज, एकदम अपनी आग कान को खुली रखना है और उसके बाद ही वहाँ पे अटैक करना है गाइज। तो आराम से जाएंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरह से हम सभी ज़ॉम्बीज को फिनिश कर पाएंगे, बिकॉज पिछली बार जो नहीं हुआ था ना वो इस बार होके ही रहेगा, मतलब अपन ज़ॉम्बीज को मार के ही रहेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते, कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे अपने पास गन है जो AK-47 अपनी है, तो उसको हम बाजू में रखने वाले, बिकॉज अपने पास मशीन गन ऊपर है तो उसके ऊपर जाना है अपने को, और उसके ऊपर बैठने के बाद गाइज ज़ॉम्बीज का सफाया करना है, बिकॉज अपने एरिया को डिफेंस करना अपना काम है गाइज। तो देखो ज़ॉम्बी वेव कमिंग 1, देखो वहाँ से ज़ॉम्बीज आते जा रहे हैं और अब देख ही सकते हो गाइज कितने ज़्यादा ज़ॉम्बी वहाँ पे, तो हमें देखो ना ब्लास्ट करना है, और ब्लास्ट करने के साथ हमें बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज मर चुके हैं, और गन का जो साउंड है गाइज वो बहुत ही सुप्रीम है, और सुप्रीम गन के साउंड के साथ गाइज यहाँ पे फाइट करने के लिए बंदे देखो यहाँ से आ गए, मैंने ऐसे कैजुअल लिया था, मैं एक ही जगह पे मारता रहा और पीछे से बंदे आते चले गए, और यहाँ पे अपने को बहुत खतरनाक मार रहे हैं, तो इनको पहला फिनिश करना बहुत नेसेसरी है, पर इनको फिनिश कर देते हैं गाइज अपने ऊपर बहुत खतरनाक गंदा वाला अटैक हो चुका है, भाई सबको मार दो, भाई इसको भी मार दो, आओ फाइन फाइन फाइन, ये बंदी इसको भी मार दिया। उसके बाद देखो पीछे कोई तो है नहीं, अभी ज़ॉम्बी वेव 2 आने वाला है, दूसरा वेव आने वाला है, दूसरे वेव के अंदर क्या होगा पता नहीं, बट अपने को थोड़ा हेल्थ लेना पड़ेगा, तो यूज़ करते हैं अपने इक्विपमेंट को, मतलब अपने हेल्थ बैंड को, और उसको यूज़ करने के बाद अपनी हेल्थ थोड़ी सी बढ़ चुकी है, 61 की हो चुकी है, भाई यहाँ पे समझ कुत्ता आ रहा है, उसको फिनिश एक ही बुलेट में कर दिया गाइस अपन ने, और यहाँ पे बाकी बंदों को फिनिश कर देंगे। पर ये रिलोड वाला सीन मुझे बहुत खराब लग रहा है, बिकॉज बीच में रिलोड नहीं होना चाहिए, बुलेट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे अपने पास ना बुलेट बहुत ही ज़्यादा कम है इसके अंदर, 999 इतनी बुलेट अपने पास है, तो यहाँ पे सभी बंदों को हमने फिनिश कर दिया है, और यहाँ पे देखो बाजू से बंदे आ रहे हैं, बट भाई नहीं यार ये मार रहे हैं अपने को, हराम ज़्यादा फिनिश, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं। सेकेंड वेव के अंदर गाइस अब भी अपना डिफिकल्टी बढ़ चुका है ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे बंदे ना ऐसे एक ही जगह से नहीं आ रहे, देखो तीन तीन जगह से आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको फिनिश, यहाँ पे ब्लास्ट, और यहाँ पे इसको फिनिश गाइस, यार नहीं रीलोड पे नहीं जाना चाहिए था, अपने को मार रहा है हराम ज़्यादा, फिनिश कर भाई इसको, और फिनिश कर दिया हमने। और अभी ज़ॉम्बी वेव 3 गाइस, 3 वेव के अंदर क्या होने वाला है, देखो वहाँ से ना गाइस दो दो कुत्ते हैं क्या, नहीं नहीं एक ही कुत्ता था, इसको फिनिश कर देते फटाक से, इसको फिनिश, इसके बाद इसके बंदों को भी फिनिश कर देंगे। बट गाइस यहाँ पे अपने को खतरनाक खेलना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या खतरनाक मारा गाइस अपन ने अपने मशीन गन की मदद से, अरे बुलेट को वेस्ट मत कर, रीलोड कर दो, रीलोड कर देते उसके बाद देखते, बट नहीं यार रीलोड पे जा नहीं सकता, सामने से बंदे आ गए, और यहाँ पे भी बंदे कुछ दिख नहीं रहे, देखो यहाँ पे बंदे हैं, और उसको मार देते हैं आराम से। उसके बाद भाई साहब मेरे से पंगा मत लो गाइस, मैं पिछली बार से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका, बिकॉज पिछली बार मेरी गलती की वजह से मैं वहाँ पे मतलब मार खाया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, हम यहाँ पे इन बंदों को तोड़ फोड़ कर रख देने वाले हैं। मतलब यहाँ पे देखो अपने पास आखिरी है, मे भी है, इसको फिनिश कर दिया, इसके बाद मिशन अपना हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद एरिया डिफेंस का पहला मिशन जो हमने एस के ऊपर किया था वो कॉन्कर हम कर चुके हैं गाइस, पिछली बार हारे जरूर थे, बट इस बार गाइस सबका बदला लिया, मतलब सभी का बदला अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई और बंदा नहीं है, तो पीछे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं अपने दूसरे मिशन की तरफ, और उससे पहले हम जाएंगे अपने वुडलैंड के अंदर गाइस, वुडलैंड के थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे गाइस कि हमें अगले वाले में किस तरह से अटैक करना है।
तो पहले सेंटर में जाते हैं, मतलब अपने वुडलैंड्स के सेंटर के अंदर, उसके बाद देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे बाकी सब चीज़ें अपने पास तो है, गन की बुलेट्स भी अपने पास अच्छी खासी है, तो अपने को प्रॉब्लम होने नहीं वाला, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा ओपन लैंड है और अपने को AK-47C बंदों को मारना है। मतलब वहाँ पे अपने पास घूमने के लिए बहुत जगह है, तो बच भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं ज़ॉम्बी से और उनको मार भी सकते हैं। बट एस में ऐसा नहीं गाइस, एस में हम बीच में फंस जाते हैं। हम लीला से बात करते हैं एक बार, उसको हमने पिछली बार टास्क कंप्लीट किया था, उसको हमने मतलब बताया नहीं था, तो अभी हम उसको बता दिया। तो उसने अपने को क्यूरिंग प्लस टू ऐसा कुछ स्किल दिया है, पता नहीं वो क्या स्किल है, बट देखते हैं अपने को मिला है तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो होगा, बट अभी होगा या फ्यूचर में होगा मुझे पता नहीं। बट एस के पास जाते नहीं भाई, उसको भी एक ही मिशन अभी तक कंप्लीट किया अपन ने, तो एस के पास जाने का मतलब नहीं बनता। पहले डिस्ट्रो फैक्ट्री पे जाते हैं, उसके बाद आखिर में जाकर ना एस के पास जाके उसको बताएंगे भाई तूने जो भी अपने को काम दिया था ना वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे अपन जा चुके हैं डिस्ट्रॉय फैक्ट्री के ऊपर, मतलब गाइस वही फैक्ट्री जहाँ पे से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पिछली बार लीक हुए थे, और उसके वजह से लीला मतलब अपनी डॉक्टर है ना गाइस, वो कुछ सब्सटेंसेस वहाँ से ला नहीं पा रही थी, तो उन्होंने उसका रिपेयर किया था, उसके ज़ॉम्बीज को भी मारा था। बट यहाँ पे अपने को उसका डिफेंस करना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं अपनी जो काम की है, और यहाँ पे अगर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर लिया तो अपने लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, जैसे पिछली बार वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक होने से हुआ था, उस तरह से होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे ज़ॉम्बीज कहाँ से आएंगे पता नहीं मुझे, बट दिख तो कोई नहीं रहा यहाँ पे, सामने से आ चुका है। घर के अंदर गए छुपे बैठे रहते हैं, जैसे गाड़ी का आवाज़ सुना ना गाइस, जैसे इंसान की स्मेल आई उनको, वैसे ही वो बाहर आ चुके हैं। तो अपने लिए अच्छी बात है, बिकॉज अपने को उनको मारना ही है। तो एक कुत्ता भी यहाँ पे एक है भाई साहब, कुत्ता अपने तीन से आ रहा है गाइस, इसको मारना पड़ेगा। दो दो कुत्ते गाइस, दो दो कुत्ते यहाँ पे पीछे भाग जबरदस्त कुत्ते को मार दिया, दूसरे को भी मार दिया गाइस, ब्लास्ट के साथ मार दिया है। और अभी यहाँ पे अपने पास ना भाई साहब ये बंदे बहुत क्लोज आ गए थे, दो दो बंदे गाइस यहाँ पे, दोनों को फिनिश करना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये गन बहुत ही ज़्यादा रिलोड पे जा रही है गाइस, अपने पास बुलेट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, देख सकते हो वहाँ पे कितने बुलेट्स हैं। ज़्यादा हम इस्तेमाल करके वेस्ट, मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, वेस्ट नहीं कर सकते अपन बुलेट्स को ज़्यादा। और यहाँ पे देखो सामने से बंदे आते जा रहे, तो क्लोज जाके मारेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा हम एम अच्छी तरह से कर पाए और उनको फिनिश भी कर पाए। तो क्लोज इसलिए मैं आ रहा हूँ उनके ज़्यादा से ज़्यादा, तो दूसरे मार सकता, पर अपने पास बुलेट ज़्यादा है नहीं दूसरे मारने का। भाई ये बंदी मर क्यों नहीं रही है, मर गई। और अभी देखते हैं यहाँ पे ज़ॉम्बी वेव टू गाइस, टू वेव के अंदर क्या होगा जरा भी आइडिया नहीं है मुझे। पिछली बार हम अच्छे से खेल लेते बट गाइस अपने पास बुलेट्स कम है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। बस यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अपने लिए हुई ना, तो थर्ड वेव के लिए अपने पास बुलेट ही नहीं बचने वाले, बिकॉज अपने पास अभी 100 से कम बुलेट्स है। और भाई ये कुत्ते पीछे आ गए गाइस, आराम ज़्यादा कुत्ते भाई साहब पीछे पीछे आते जा रहे हैं, अपने को मारने की कोशिश कर रहे हैं ज़ॉम्बी वाले कुत्ते, दोनों को फिनिश कर दिया। नहीं यार एक फिनिश कर दिया, इसको भी हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अभी बचते आखिर के कितने बंदे, 6 बंदे हैं अभी, उनसे ये बंदा है, इसको फिनिश कर देंगे। ये बाकी लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ वो जल्दी मरती नहीं है यहाँ पे, वो बहुत जिंदा रहती है। देखो यहाँ पे इसको मार रहा हूँ इतना, बट मर नहीं रही है। बट अगर जब देखो कि मेल ज़ॉम्बी जो है ना वाइस फटाफट से मरते जा रहे, देखो यहाँ पे और अपने भाई बाइक अपनी, और आखिर के 3 बंदे यहाँ पे कहाँ पे, देखो ऊपर दिख रहा है वेव नंबर 2, 8 बंदे हम मार चुके हैं यहाँ पे, 3 बंदे सामने थे इनको मारना है। और देखो गाइस अपने पास बुलेट बहुत ही ज़्यादा कम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कम, और कुछ कर भी नहीं सकते, अपने को मारना तो इनको पड़ेगा बुलेट से ही। बट बुलेट खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है गाइस। तो ज़ॉम्बी में 3 आ रही है और अपने पास सिर्फ है 29 बुलेट्स, और यहाँ पे हमने इनको मार दिया भाई, कुत्ते को मारना पड़ेगा गाइस, कुत्ते को बुलेट से ही मारना पड़ेगा भाई साहब, इसको मर नहीं रही है भाई साहब, मर गया बड़ा आखिरी एमओ पे मरा, और उसके बाद अपने पास एमओ खत्म हो गया गाइस। बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा हुआ, बिकॉज इनको हम मार सकते इस डंडे विंडे से, बट उनको मारना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर डंडे से इनको मारना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे हिसाब से। एक बंदे को अपने कर दिया फिनिश, अभी अपने को और 10 बंदों को करना है फिनिश, 10 बंदों को डंडे के साथ मारना, मतलब क्लोज जाके कॉम्बैट लेना, वो गाइस थोड़ा मुश्किल है, पर उस मुश्किल को आसान बनाना अपने को अच्छी तरह से आते। तो आज अपन उसी तरह से खेलने वाले हैं और इन सभी बंदों को पेलने वाले गाइस, अभी तो 4 बंदों को फिनिश कर चुके हैं, और भाई साहब अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो मार चल भाई, मर जा चल भाई साहब, ये बंदी ये खास, दोनों बंदे यहाँ पे साइड में देख, चल चल उसको मार दिया, दोनों को फिनिश, इसको भी फिनिश भाई, नहीं यार अपने ऊपर बहुत खतरनाक अटैक हो रहा है, दोनों को फिनिश कर दिया। उसके बाद अपने पास खेल जो बचे 30, और अपने पास और 3 बंदों को फिनिश करना है, तो ये बंदी को मारना पड़ेगा, ये बंदी जल्दी मरती है, और भाई साहब अपने अटैक करती जा रही है, फिनिश कर दिया। और अभी ये 2 बंदे इनको मारना पड़ेगा, उसमें से एक को फिनिश, दूसरे को फिनिश करने जा रहे हैं, बट नहीं लग रहा उसको, और इसको एक और बंदा, एक और पक्का मिशन भी अपना कंप्लीट हो चुका है गाइस। मतलब इतना ड्रामेटिक मिशन आज तक मैंने नहीं देखा था, मतलब बुलेट्स भी कम खत्म हो चुकी थी, उसके बाद अपन ने इन सभी बंदों को अपने एक बल्ले से, मतलब जो बेसबॉल का बैट है उससे मारा है गाइस। मतलब अपन ने बहुत ही खतरनाक खेला यहाँ पे, बस बुलेट से मारना बहुत आसान होता है गाइस, पर जब भी अपने को बेसबॉल से मारना पड़े क्लोज कॉम्बैट के ऊपर,
तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपन जाते हैं अपने सेंटर की तरफ, बिकॉज वहां पे एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा था। तो अभी सेंटर की तरफ जाते हैं और अपने पास बुलेट भी नहीं थी, तो उसकी वजह से वहां पे ज्यादा रुकना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता था। तो हम सेंटर की तरफ जाएंगे और सेंटर पे जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे और आराम करेंगे। तो इसी तरह के बेहतरीन गेम प्ले देखना चाहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उतना धन्यवाद।